मुख्य समाचार। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को पहुंचेंगे छत्तीसगढ़। जांजगीर में सभा को करेंगे संबोधित। चुनाव में पहली बार वोट देने वाले युवाओं को एनएसयूआई कार्यकर्ता बताएंगे भूपेश सरकार की उपलब्धियां। दिमागी बुखार से पीड़ित 2.5 साल के मासूम बच्चे को अथक परिश्रम से डॉक्टर की टीम ने बचाई जान, बच्चा हुआ स्वस्थ। और घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पूर्व विधायक संतोष बाफना ने की नागरिकों से अपील। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। अब समाचार विस्तार से, मैं शफक मीर। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल रविवार को छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां वो जांजगीर में सभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि इसे भरोसे का सम्मेलन नाम दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह छत्तीसगढ़ में दूसरा दौरा होगा। इसके पूर्व पार्टी के 85वें महाअधिवेशन में सम्मिलित होने रायपुर आए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद छत्तीसगढ़ में उनका यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। इसे आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति के तहत देखा जा रहा है। गौरतलब है कि जांजगीर का पूरा क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है। बहुजन समाज पार्टी यहां से अब तक 4 विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। दलित वोटों के दबदबे वाले इस क्षेत्र में कांग्रेस अपने सबसे बड़े दलित नेता को भरोसे का सम्मेलन के जरिए बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ चुनाव में ज़्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहता है। जांजगीर क्षेत्र विशेष में बहुजन समाज पार्टी का दबदबा होने से मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है। सारंगढ़, मालखरोदा, अकलतरा और पामगढ़ जैसी सीटों में कांग्रेस अपनी पैठ बनाने की शुरुआत कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे धान समर्थन मूल्य में वृद्धि, कृषि ऋण माफी, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, राजीव मैदान क्लब, बेरोजगारी भत्ता, छत्तीसगढ़ ओलंपिक जैसी सरकार की सफल योजनाओं को लोगों के बीच रख इस सम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी के वोटों को साधने की कोशिश करेंगे। राजधानी में आयोजित संकल्प शिविर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भारतीय जनता पार्टी की जमकर निंदा की और भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को रखा। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 सालों में छत्तीसगढ़ में भाजपा का नामोनिशान मिट जाएगा। इस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नजर नहीं आएगा। राज्य में कांग्रेस ही सत्ता संभालती रहेगी। आइए सुनते हैं दीपक बैज को। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है और ऐसा विचारधारा कि एक साइड देश को बांटने वाला विचारधारा जो लगातार संप्रदायवाद को बढ़ावा दे रही है, लगातार झूठ और फरेब की राजनीति कर रही है, और एक साइड ऐसा विचारधारा है कि जनता को काम करने वाली विचारधारा, जनता को दिल से जोड़ने वाला विचारधारा, जनता के लिए हर समय सुख और दुख में खड़े होकर मदद करने वाला विचारधारा, ये कांग्रेस की विचारधारा है। आदरणीय साथियों, आपने लोकसभा में सुना होगा कि जो अमित शाह जी बोल रहे थे उनका वक्तव्य था कलावती को लेकर बोल रहे थे कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कलावती के यहाँ गए, खाना खाए। उसका क्या हुआ? उसके लिए घर, उसके लिए पानी, घर, बिजली, खाना, सब चीज हमारी सरकार ने दिया है। और बोलते बुंदेलखंड की है, वो लोकसभा में, हाउस में, उस सदन को पूरा देश सुनता है। इतना बड़ा झूठ आज तक हमने किसी ने नहीं बोला होगा। जो वहां के गृह मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे, पूरा देश सुन रहा था। और कलावती का बयान आता है कि कलावती बुंदेलखंड की नहीं, महाराष्ट्र की, यवतमाल की है, ये है सच्चाई। और उसको घर, पानी, बिजली और राशन राहुल गांधी के कहने पे पहुंचा है, 2008 से पहले का पहुंचा है, और मोदी जी 2014 में बने। ये कितने सफाई से झूठ बोल रहे हैं, देखिए आप, ये आपको समझना है, सोचना है। मतलब लोकसभा के हाउस में, जनता का मंदिर में, सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा मंदिर में किस तरह से एकदम सफाई से झूठ बोल रहे हैं, और देश भी सुन रहा है। इस ताकत से हमको लड़ना है आदरणीय साथियों। कांग्रेस से महज कुछ दिनों पूर्व इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ आदिवासी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने आदिवासी समाज के नेतृत्व में नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। अरविंद नेताम ने चुनाव आयोग को पार्टी का नाम भेजा है और चुनाव आयोग से सहमति का इंतजार है। अरविंद नेताम ने पार्टी का नाम हमर राज पार्टी बताया है।
अरविंद नेताओं की पार्टी छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव में 50 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। साथ ही बसपा और सीपीआई से गठबंधन की बातचीत भी जारी होने की जानकारी अरविंद नेताम ने दी है। कांकेर पहुंचे अरविंद नेताम ने बताया कि कांग्रेस सरकार की आदिवासी विरोधी नीति से परेशान होकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है और अब आदिवासी समाज स्वयं राजनीतिक मैदान में अपने हक की लड़ाई लड़ने उतरेगा। उन्होंने बताया कि आदिवासी वर्ग के लिए 29 सीट आरक्षित है, इन सभी में पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। हमर पहली मतदान के अभियान के तहत छात्र छात्राओं को जोड़ने NSUI द्वारा महाअभियान चलाया जाएगा। स्कूल कॉलेज के नए वोटर्स को वोटर लिस्ट में जोड़ने फॉर्म भी भरा जाएगा। मिशन 2023 को देखते हुए NSUI के कार्यकर्ता बात है स्वाभिमान के हमर पहली मतदान के अभियान के तहत स्कूल कॉलेज जाकर नए मतदाताओं से मिलेंगे और भूपेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराकर समर्थन जुटाएंगे। NSUI के जिलाध्यक्ष विशाल खंबारी ने बताया कि स्कूल कॉलेज में युवाओं का रुझान NSUI की ओर काफ़ी बढ़ रहा है। इसे देखते हुए अब संगठन की ओर से बात है स्वाभिमान के हमर पहली मतदान के कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिलाध्यक्ष विशाल खंबारी ने बताया कि भूपेश बघेल की सरकार लगातार छात्र हित में काम कर रही है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के कांग्रेस भवन में छत्तीसगढ़ के NSUI प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के निर्देशानुसार बस्तर जिला NSUI अध्यक्ष विशाल खंबारी ने पत्रवार्ता में बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट करने वाले नवयुवकों को बताने कॉलेज स्तर पर कैंपस चलाएंगे, जिसमें शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और नारा दिया जाएगा माई फर्स्ट वोट इज भूपेश बघेल के लिए। नौजवानों को कांग्रेस के प्रति प्रेरित करेंगे। कॉलेजों में व्यापक प्रचार प्रसार कर हम युवा वर्ग को कांग्रेस में जोड़ने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ NSUI नीरज पांडे जी प्रदेश अध्यक्ष के आदेश अनुसार आज बस्तर जिला NSUI द्वारा कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है, जिसका कैंपेन का नारा ये है कि बात है स्वाभिमान के हमर पहली मतदान की। इसके तहत हम लोग सभी कैंपस कॉलेजों में जाकर नए मतदान को जोड़ने का काम करेंगे जो प्रथम बार मतदान कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य इसके तहत यह है कि हम जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा चलाया गया है, उसकी जानकारी हम छात्रों को देकर नवीन मतदाताओं को माई फर्स्ट वोट फॉर कांग्रेस, माई फर्स्ट वोट फॉर भूपेश बघेल, ये हमारा एक नारा रहेगा जिसको हम सभी जानकारियाँ देते हुए, चाहे वो स्वावलंबी योजनाओं में जैसे कि आत्मानंद का हो, बेरोजगारों को जिन भत्ता दिया जा रहा है, इस तरह से इस बार बम्पर भर्ती हुआ गया है, वो सभी योजनाओं की जानकारी हम देंगे जो बेरोजगार से जो निकल कर आ रहा है उनके इस श्रेणी में पंजीयन कराया जा रहा है। सभी हमारे ऐसे जितने भी जनकल्याणकारी योजना है उसकी जानकारी देते हुए फर्स्ट वोटर्स को हम कांग्रेस की ओर प्रभावित करने का हम काम करेंगे, जिसके तहत हमारे पूरे जिले में हम ऐसे करते 25,000 नए वोटर्स को जोड़ने का हमारा लक्ष्य रखा गया है। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634-700-619095 and 7081-890396 every day from 10 AM to 9 PM in front of Danteshwari Temple. आप देख रहे हैं बस्तर की बात। भाजपा पार्षद दल द्वारा डोंगाघाट शिव मंदिर वार्ड में नगर निगम के द्वारा कचरा डंप करने को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम की चेतावनी के बाद प्रशासन हरकत में आया और आज शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय जिला दंडाधिकारी कार्यालय में आहत की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल, भाजपा जिला महामंत्री वेद प्रकाश पांडे, नगर मंडल के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता और प्रशासन की ओर से नगर पुलिस अधीक्षक IPS विकास कुमार, SDM नंद कुमार चौबे, नगर निगम के आयुक्त SK पैंकरा के साथ जगदलपुर थाना के सभी थाना प्रभारी उपस्थित हुए।
लगभग एक घंटे चली बैठक में काफ़ी बहस और तर्क वितर्क के पश्चात आयुक्त नगर निगम ने डोंगाघाट में नगर निगम कचरा डालना शीघ्र बंद करेगा और जो कचरा डाला गया है उसे फैलाकर उसके ऊपर एक मीटर मिट्टी डालकर उसे उपयोगी और व्यवस्थित किया जाएगा। किसी नए स्थान पर डंपिंग यार्ड बनाने के संबंध पार्षदों से राय विमर्श कर महापौर और सभापति के साथ नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ अन्य पार्षदों को जोड़कर शीघ्र ही नए स्थान तलाशने की बात कही। डोंगाघाट में नगर निगम प्रशासन के द्वारा लगातार कचरा फेंके जाने के विरुद्ध पिछले 3 माह में भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने ज्ञापन के माध्यम से और पुलिस में FIR दर्ज कराने की भी पहल की, क्योंकि यह सरासर आपराधिक श्रेणी में आता था, परंतु पुलिस प्रशासन के भी असमर्थता के पश्चात भाजपा ने निर्णय लिया कि वह शीघ्र वार्डवासियों के सहयोग से डोंगाघाट के सामने नेशनल हाईवे को जाम करेगी, चक्का जाम करेगी। इस पर आज जिला प्रशासन और निगम प्रशासन हरकत में आया है, पुलिस प्रशासन हरकत में आया और एक बैठक स्थानीय जिला दंडाधिकारी कार्यालय में हुई। इस कार्यालय में निर्णय लिया गया है, निगम प्रशासन ने कहा है, आयुक्त महोदय ने कहा है कि वहां पे डोंगाघाट में शीघ्र ही 7 दिवस के अंदर वो कचरा फेंकना बंद करेंगे। जो कचरा फेंका जा चुका है उसके ऊपर 1 मीटर मिट्टी और मलबा डालकर उस जमीन को उपयोगी और व्यवस्थित करेंगे और महापौर और सभापति के साथ अन्य पार्षदों को लेकर डंपिंग यार्ड नए स्थान पर बनाने हेतु पहल करेंगे। परंतु मेरा स्पष्ट मानना है और मैंने प्रशासन से अवगत कराया है कि पूरे शहर को डंपिंग यार्ड से मुक्त करने हेतु जैसा कि नियम है, जैसा कि NJT के गाइडलाइंस हैं, निगम को प्राथमिकता के साथ पहल करना चाहिए। पूरा शहर डंपिंग यार्ड मुक्त होना चाहिए और SLRM सेंटरों में जो कार्य हो रहा है जहां पे कचरों का निष्पादन होना चाहिए उसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इसलिए यह चक्का जाम 1 सप्ताह के लिए कम से कम स्थगित किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने इस अवसर पर कहा कि नगर निगम पूरे शहर से डंपिंग यार्ड बंद करने हेतु प्राथमिकता से निर्णय लें और SLRM सेंटरों को पुनः व्यवस्थित किया जाए। शिव मंदिर वार्ड के पार्षद निर्मल पाणिग्राही ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रशासन शीघ्र ही उनके वार्ड को कचरा मुक्त करेगा और उस स्थल को उपयोगी बनाने हेतु किए गए आश्वासन अनुसार कदम उठाएगा। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और नगर मंडल के प्रभारी वेद प्रकाश पांडे ने कहा है कि जिला प्रशासन की पहल महज आश्वासन ना हो, इस दिशा में ठोस पहल करने की आवश्यकता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन 80वीं बटालियन CRPF द्वारा किया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 80वीं बटालियन ने नेहरू युवा केंद्र जगदलपुर और स्वास्थ्य विभाग जगदलपुर के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें पूर्व GD स्वर्गीय राजकुमार सिंह की पत्नी वेदांति सिंह को सम्मानित किया गया। इसके अलावा वृक्षारोपण भी किया गया। यह कार्यक्रम द्वितीय कमांडेंट अधिकारी सदन कुमार के नेतृत्व में किया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा जवानों के लिए इस मौके पर व्याख्यान भी दिए गए। इस अवसर पर 80वीं वाहिनी के अधिकारी सदन कुमार मकसूद आलम, डॉक्टर वेंकट विकास, चिकित्सा अधिकारी हेमराज व्यास, अंजलि कुमारी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर, सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। CRPF जवान के 2.5 साल के बेटे को दिमागी बुखार होने के कारण उसे 3 दिन पहले मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों के टीम के साथ ही स्टाफ नर्स की मदद से बच्चे का इलाज किया गया। डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बाद बच्चा स्वस्थ होने लगा है। मैं रविंदर, मेरा बच्चा 9 तारीख को शाम को 5 बजे यहाँ GNCS जगदलपुर में एडमिट हुआ था, तो आते ही डॉक्टर ने बताया कि इसको वेंटिलेशन किया जाएगा, सीरियस कंडीशन में था, तो आज इसको कल मॉर्निंग इसको वेंटिलेशन से उतार दिया है और अभी मेरा बच्चा जो है स्वस्थ है और हो सकता है तो कल या परसों मुझे छुट्टी दे दी जाएगी।
गौरतलब है कि सीआरपीएफ कैंप करणपुर के जवान रविंद्र पॉल के 2.5 साल के बेटे शौर्य को 9 अगस्त को अचानक से बुखार होने के चलते उसे कैंप के अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार न होने के कारण उसे शाम 5 बजे मेकाज में भर्ती कराया गया। इस बारे में मेकाज अधीक्षक शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरूप साह ने बताया। 9 तारीख को लगभग शाम को 5 बजे शौर्य नाम का बच्चा 2.5 साल का एक अत्यंत गंभीर अवस्था में आया था। बच्चे को तेज बुखार था, फिर झटका आया था तो बच्चा बेहोश हो गया था। वो AES के लाइन में रखा था, बच्चे का सांस भी रुक गया था, फेफड़ा काम करना बंद कर दिया था। तो बच्चे को इंटेंसिव केयर यूनिट में, बच्चा वार्ड में, इंटेंसिव केयर यूनिट में, शिशु रोग डिपार्टमेंट में तुरंत ही वेंटिलेटर में डाला गया और उसको इंटेंसिव केयर ट्रीटमेंट दिया गया। 24 घंटे तक लगभग वेंटिलेटर रखने के बाद बच्चे की स्थिति में सुधार हुई और बच्चे को वेंटिलेटर से बाहर निकाला गया और आज 3 दिन बाद में बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उसको वर्तमान में स्थिति बहुत अच्छी है, बुखार ना भी कम हो गया, झटका ना भी कम हो गया है, सांस की गति भी नॉर्मल है और बच्चा जो है खतरे से बाहर है। गौरतलब है कि बुखार बच्चे के दिमाग में चढ़ गया था, इसके कारण बच्चे की हालत लगातार खराब हो रही थी। स्थिति को देखते हुए उसे वेंटिलेटर में 24 घंटे के लिए रख दिया गया। जांच में पता चला कि उसे एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES था। बच्चे के बेहोश होने के साथ ही उसकी सांस भी रुक रही थी, फेफड़े भी काम नहीं कर रहे थे। ऐसे में चिकित्सकों की टीम के द्वारा लगातार जांच के चलते 3 दिन बाद बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। इस दौरान HOD डॉक्टर्स और स्टाफ की मदद से बच्चे का इलाज किया गया और उसकी जान बचाई जा सकी। डाक विभाग बस्तर संभाग के अधीक्षक RP वर्मा और अन्य अधिकारियों ने पूर्व विधायक संतोष बाफना के निजी कार्यालय पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत उन्हें राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक संतोष बाफना ने डाक विभाग के अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बाफना ने जगदलपुर वासियों से अपील की कि देश हित और राष्ट्रीय हित में 13 से 15 अगस्त तक अपने आवास, कार्यालय समेत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज अवश्य लगाएं और अपनी सहभागिता निभाते हुए देशभक्ति का परिचय देकर पुनः एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को और अधिक मजबूती प्रदान करें। जी भैया, बताएं। देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पे हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा ये अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव का 75 वर्ष जब कंप्लीट हुआ था तो पिछले वर्ष हम लोगों ने घर घर लगाया था और इस वर्ष अमृतकाल का आगे काल बढ़ा है। तो मैं सभी देशवासियों से, अपने जगदलपुर वासियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने वार्ड के स्तर पर, अपने घर के स्तर पर राष्ट्रीय प्रतीक का चिन्ह, हमारे एकता का मान सम्मान का चिन्ह, हमारे भाईचारा विश्वास स्नेह का चिन्ह तिरंगा, जो हमारे जानों से, हमारे जान से भी ज़्यादा प्यारा है, इस तिरंगा को 15 अगस्त की सुबह अपने घर पे फहराकर देशभक्ति, देश प्रेम की जो भावना है उसका प्रदर्शन करें, यही आपसे मेरा अनुरोध है। शहर के गीदम रोड में बड़े मारेंगा बाईपास चौक के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर स्थानीय निवासी मुन्ना गुर्जी के घर में जा घुसी, जिससे घर में सो रही सुरभि बघेल घायल हो गई। इस हादसे में सुरभि को मामूली चोटें आई हैं, जिसे डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आज शनिवार को दिन में गीदम रोड स्थित ग्राम बड़े मारेंगा बाईपास चौक के पास एक यात्री बस ने बल्ली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके चलते वाहन अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसी। दोनों ही वाहन जगदलपुर की ओर से आ रही थी। शहर को साफ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से आज शनिवार को जिला सत्र न्यायालय परिसर में साफ सफाई अभियान चलाया गया। न्यायालय जैसे पावन स्थल में गंदगी ना रहे, इस सोच को लेकर यह महाअभियान चलाया गया। सुबह से ही परिसर की सफाई में लोग लगे रहे। परिसर में जगह जगह फैली गंदगी की सफाई की गई, पूरे कचरे बाहर फेंके गए, पेड़ पौधों के आसपास सफाई कर पौधों में पानी भी दिया गया। स्वच्छता सफाई अभियान नगर पालिक निगम आयुक्त, स्वच्छता एम्बेसडर, न्यायाधीश, न्यायालयीन कर्मचारी, निगम कर्मचारी, वकील और समाज सेवा से जुड़े लोगों ने भाग लिया।
अब खबर कोंडागांव से। कोंडागांव नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की वर्षा यादव की जीत हुई है। नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए वर्षा यादव केवल एक वोट से जीती है। कुछ महीने पहले भगत सिंह वार्ड के पार्षद हेम कुंवर पटेल के निधन के बाद यह पद खाली हुआ था, जिस पर वर्षा यादव को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, लेकिन चुनाव में अब उन्होंने जीत हासिल कर ली है। बस्तर जिले के ग्राम पंचायत बनिया गांव में सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत प्रशासन के वन विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पंचायत विभाग के बैनर तले नशा मुक्ति का संदेश, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम और पर्यावरण संरक्षण के विषय पर संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरण प्रेमी ग्राम कमरी निवासी दामोदर दास कश्यप और इस कार्यक्रम में बस्तर SDM ओम प्रकाश वर्मा अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थे। भानपुरी थाना के SDOP घनश्याम कांवड़े और वन विभाग से भानपुरी परिक्षेत्र के अधिकारी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के पदाधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, मितानिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी, शिक्षा विभाग के समस्त स्टाफ और स्कूली छात्र छात्राओं ने शिरकत की। जिला शतरंज संघ के तत्वाधान में दिनांक 12 अगस्त को अंडर 9, अंडर 14 और अंडर 19 बालक बालिका शतरंज टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। फाइनल मैचेस दिनांक 13 अगस्त को खेले जाएंगे। पुरस्कार वितरण संध्या 6 बजे श्री राजीव शर्मा, उपाध्यक्ष इंद्रावती विकास प्राधिकरण के कर कमलों से किया जाएगा, ऐसी जानकारी संस्था के अध्यक्ष शशांक श्रीधर ने दी। सचिव हितेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता में लगभग 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रदेश में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे BEd, MEd, BPEd, MPEd, BTEC, MTEC, MBA, MSc, D-Pharmacy, B-Pharmacy, M-Pharmacy, BSc Nursing, MSc Nursing, PhD पाठ्यक्रमों की फीस में लगभग 5% की वृद्धि की गई है। गौरतलब है कि लगभग 5 वर्ष पूर्व इन शिक्षण संस्था ने फीस निर्धारित की थी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य की प्रति व्यक्ति आय और पड़ोसी राज्य में ऐसे पाठ्यक्रमों की फीस को आधार मानकर समिति के समक्ष रखा जाता है, जिसमें समिति के अध्यक्ष के अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा के संचालक, चिकित्सा शिक्षा संचालक, वित्त विभाग के सदस्य और विधि विभाग के सदस्य सम्मिलित होते हैं। समिति की स्वीकृति क्रांति फीस का निर्धारण किया जाता है। संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति चिकित्सालय डिमरापाल जगदलपुर द्वारा स्टाफ नर्स BSc नर्सिंग के पूर्णतः अस्थायी पद पर भर्ती प्रक्रिया हेतु प्रावधानिक मेरिट सूची का प्रकाशन किया गया है। प्रकाशित सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की स्थिति में 14 अगस्त 2023 को पूर्वाह्न 12 बजे तक आवश्यक दस्तावेजी सबूत के साथ दावा आपत्ति की जा सकती है। निर्धारित समय पश्चात प्राप्त आवेदनों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। दावा आपत्ति आवेदन संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति चिकित्सालय डिमरापाल कार्यालय के आवक जावक शाखा में निर्धारित समय के भीतर जमा करने की बात कही गई है। सूची का अवलोकन कार्यालय के नोटिस बोर्ड और स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल जगदलपुर के वेबसाइट www.gmejagdalpur.ac.in में अवलोकन कर सकते हैं। जगदलपुर में आज शनिवार की शाम हल्की बारिश से ही मौसम सुहाना हो गया है। जगदलपुर में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। दोपहर से हुई बारिश के कारण तापमान में कमी आई है। बारिश के मौसम में विगत पखवाड़े भर से गर्मी और उमस थी। बढ़ती गर्मी के बीच शहर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और अब मौसम खुशनुमा हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। गौरतलब है कि बस्तर संभाग में विगत 3-4 दिनों से बारिश नहीं हुई थी और दिन भर तेज धूप और उमस के कारण लोग हलाकान थे। आज शनिवार की दोपहर तेज धूप के बाद हल्की बूंदाबांदी से लोगों को कुछ राहत मिली है। एक नजर और मुख्य समाचारों पर। मुख्य समाचार। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को पहुंचेंगे छत्तीसगढ़। जांजगीर में सभा को करेंगे संबोधित। चुनाव में पहली बार वोट देने वाले युवाओं को NSUI कार्यकर्ता बताएंगे भूपेश सरकार की उपलब्धियां। दिमागी बुखार से पीड़ित 2.5 साल के मासूम बच्चे को
अथक परिश्रम से डॉक्टर की टीम ने बचाई जान, बच्चा हुआ स्वस्थ। और घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पूर्व विधायक संतोष बाफना ने की नागरिकों से अपील। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टूवर्ड्स हेल्थ।